नमस्कार दोस्तों, वजन का बढ़ना आज के समय में एक बहुत ही गंभीर और कॉमन समस्या बन चुका है। आजकल के युवक युवतियां अपने बदलते लाइफस्टाइल के द्वारा या फिर अनुचित खान पान के द्वारा वजन बढ़ने की समस्या से परेशान हो रहे हैं। खासतौर से यंग गर्ल्स इस समस्या से अधिक परेशान दिखती हैं, क्योंकि उनके शरीर में कई प्रकार के बदलाव आते हैं और अनेक प्रकार की हार्मोन्स की समस्याएँ भी इस प्रकार की समस्या का कारण बन सकती है। युवक और युवतियाँ अपना वजन घटाने के लिए कई गलत तरीके जैसे कि जिमिंग या फिर कीटो डाइट्स के ऊपर अपने आप को डिपेंड कर लेते हैं, जिनका उनके स्वास्थ्य के ऊपर और हार्मोन्स के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और शरीर का नुकसान होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आयुर्वेद के सरल उपचारों और कुछ घरेलू उपायों के द्वारा वजन कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में आपको ज्ञान दूंगा। तो आपसे अनुरोध है इस विषय में और इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले है कलौंजी का सेवन। कलौंजी वेट लॉस और पेट की चर्बी घटाने के लिए बहुत मददगार होती है। ये आपके किचन में बड़ी आसानी से मिल जाती है। कलौंजी के बीज ही नहीं, उसके तेल का इस्तेमाल भी वेट लॉस करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा है त्रिफला का सेवन। त्रिफला का चूर्ण आयुर्वेद की सबसे इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध औषधि है। आंवला, बेहड़ा और हरड़ को मिलाकर बनाया गया त्रिफला का चूर्ण पाचन तंत्र को डिटॉक्स करता है और वजन कम करता है। यही नहीं, त्रिफला ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करता है। चौथा है मेथी के बीज। सब्जी छोंकने में तो मेथी का प्रयोग सभी ने देखा होगा, मगर क्या आप जानते हैं मेथी वजन घटाने में भी बहुत मददगार होती है। मेथी पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है तथा भोजन की क्रेविंग्स को शांत करती है। सुबह यदि आप गुनगुने पानी के साथ एक चम्मच मेथी का सेवन कर लें तो आपको भूख कम लगेगी और आपका वजन नियंत्रित रहेगा। चौथा है दालचीनी का सेवन। सर्दियों में दालचीनी वाली चाय का आनंद हम सभी ने लिया है, लेकिन वजन कम करने में भी दालचीनी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मददगार है। दालचीनी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन को कम कर सकती है, साथ ही इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त पुनर्नवा का प्रयोग। पुनर्नवा को आयुर्वेद में पेन किलर के नाम से जाना जाता है, पर यह वेट लॉस के लिए भी प्रयोग की जा सकती है। इसमें डायुरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं और शरीर को डिटॉक्सीफाई करती है तथा लिवर के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है और इसके साथ ही साथ ये फैट बर्न भी करती है। दोस्तों, इन सभी हर्ब्स को आप अपने दैनिक आहार का हिस्सा बना सकते हैं और अपना वजन तेजी से कम कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, इनके साथ साथ पौष्टिक आहार का लेना भी बहुत ज़रूरी है और साथ ही अपने लाइफस्टाइल को बदलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप जंक फूड खाएंगे और बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे और साथ में इन औषधियों का प्रयोग करेंगे तो फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी चीज़ों का एक संतुलन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए ये उपचार आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे तथा आप अपना वजन घटाने के लिए किसी भी प्रकार के गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए तथा और जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अमित महाजन आयुर्वेदा और मेरे Facebook पेज डॉक्टर अमित महाजन आयुर्वेदा पर हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।